do what i'm doing right now so yes he's been really helpful my mother has been really helpful and they've got me up till here in the best way possible मेरा सवाल आप दोनों से प्रिया और ऋबा जानना चाहूँगा कि जब फेमस पेरेंट्स होते हैं हमारे और जब किड्स आते हैं इंडस्ट्री में तो क्या आप लोगों पर वो एडेड प्रेशर है कि कंपैरिजन होगा लोग बात-बात में कंपैरिजन करेंगे और कामयाब होने का जो एक प्रेशर होता है वो कितना है आप लोगों पर खुद को प्रूव करने का क्योंकि आप लोग फिल्म फैमिली से आते हैं इसलिए सर आई फील मैं वो प्रेशर में काम नहीं कर पाऊंगा आई कॉन्ट टेक दैट प्रेशर एट ऑल आई एम टू डू गुड वर्क मेहनत से काम करना चाहता हूँ सर शिद्दत से काम करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ बस इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रेशर एंड ऑल दैट आई डोंट थिंक आई बी एबल टू डू गुड वर्क एंड आई थिंक इफ आई कैन बिकम इवन हाफ द एक्टर मॉम इज आई एम गुड What about you? What about you? Yeah. <laughs> मेरे लिए भी मुझे आज तक जैसे मैंने पहले कहा प्रेशर कभी नहीं रहा एंड uh, मुझे लगता है पापा की एक अलग जर्नी रही है सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए कि उनका आशीर्वाद है इतना सपोर्ट है इतना प्यार है और वो मेरे लिए काफी एक्सपेक्ट

ये नसीर सर के यहाँ पे थोड़ा इन्होंने थिएटर किया वट एवर फिर कुछ अमेरिका में यूएस में जाके भी सीख के आई जो भी जो भी फिर मैं पूछता था क्या करोगी रिवा तुम डायलॉग तो बोलो यार तुम करने क्या वाली हो तुम बताओ तो सही यार शीश तो कर लूँगी पापा बिकॉज ये करण है ना ये ये मैंने रावण फिल्म की थी इसके साथ ये बहुत ही अलग ही आइटम है ये बोलता था इसने बोला था अपने पापा माँ से कुछ सीखना नहीं है तुम लोग वो कुछ पढ़ना ही नहीं तो मैं पूरा अगर इसमें करण की सबकी तार इसका पूरा श्रेय करण को जाता है मैंने absolutely, एक absolutely. इंच भी नहीं सिखाया आई है शी आस्टमी एनी एनीथिंग ना मॉड्यूलेशन ना वॉइस ना कुछ कुछ नहीं पूछा इसने ये पूरा श्रेयकरण को जाता है इस ऑल रिवाइज प्रियांक एंड ये ये मेन ये चश्मे वाला